आने वाले कुछ दिनों में देश भर में लोकसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। बात करें छत्तीसगढ़ की तो विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी को प्रचंड जीत मिली थी और उस जीत के माहौल का इस्तेमाल बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी करना चाहेगी। इसको देखते हुए छत्तीसगढ़ बीजेपी की लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के कैंडिडेट की लिस्ट किसी भी समय आ सकती है। बताया जा रहा है कि बीजेपी की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ। इसके बाद बीजेपी नेता दिल्ली से वापस लौट आए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि कल लोकसभा चुनाव के लिए संभावित नामों पर चर्चा हुई है, बहुत जल्द ही समिति इस पर निर्णय ले लेगी। चुनाव समिति की बैठक में मंथन के पश्चात सभी जो नाम आए थे सभी का संकलन करके और पैनल बना के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में दावेदारों का और वहाँ पर इस विषय पर विचार विमर्श हुआ है और बहुत शीघ्र, जैसा कि चुनाव लगभग निकट आ रहा है, निश्चित रूप से बहुत ही शीघ्र इस पर कुछ न कुछ केंद्रीय समिति में निर्णय, जैसे ही सब चीज़ों पर मंथन तय कर लेंगे संसदीय बोर्ड के सभी वरिष्ठ नेतागण और निश्चित रूप से ये सूची आप लोगों के समक्ष नहीं, अभी वो तो यही की चर्चा है, जैसे भी होगा आप लोगों के सामने आ जाए। वहीं बात करें डिप्टी सीएम अरुण साव की तो उन्होंने भी इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कभी भी प्रत्याशियों की सूची आ सकती है, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि योग्य और जिताने वाले उम्मीदवारों को ही अब की बार मौका मिलेगा। इसके साथ में उन्होंने दावा भी कर दिया कि छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर भाजपा की जीत होगी। कभी भी सूची आ सकती है, केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष विस्तार से सभी प्रत्याशियों के बारे में, संभावित प्रत्याशियों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है और बहुत जल्दी प्रत्याशियों की सूची केंद्रीय चुनाव समिति विचार करने के बाद घोषित करेगी। भारतीय जनता पार्टी योग्य और जीतने वाले चेहरों को चुनाव के मैदान में उतारेगी। जिस तरह से आज पूरे देश का वातावरण है, छत्तीसगढ़ का वातावरण है और छत्तीसगढ़ की जनता जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं से प्रभावित है, नरेंद्र मोदी जी के कामों से प्रभावित है, छत्तीसगढ़ की 11 सीटें छत्तीसगढ़ की जनता नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालेगी। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर खबर जानने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।